हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कान्हा जी के लिए इस तरह के पगड़ी बना के दिखाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम 50 चैन बना लेते हैं। ये 50 चैन हमने बना लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पे उंगली रख के 3 और बनाएंगे, 1, 2 और 3। और ये आगे ये धागा लेके और ये तीसरे में डाल के हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमारा ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये 3 के चैन को भी हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। फिर ये बनाया हमने 2, और फिर ये हर एक में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते रहेंगे। अब ये लाइन हमारी हो गई पूरी। तो इस धागे को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब दूसरा धागा लगाते हैं हम यहाँ से। अब हम दूसरा धागा शुरू करेंगे। तो इसके लिए एक स्लिप स्टिच ले लिया हमने, फिर एक चेन ले लिया। अब ये पूरा लाइन जो है हम सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया से जो बनाएंगे हम, ऐसे नहीं लेंगे हम, इस तरह से बनाएंगे नहीं, ये पीछे वाला लूप लेंगे, ये वाला। ये वाला पीछे वाला तो इस तरह से हमारी एक धारी सी बन जाएगी, डिज़ाइन बन जाएगी। अब ये जो हमने लाल धागा छोड़ा था, इसको हम ले लेंगे। अब इस धागे को भी हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो पहले हमारा ये डबल क्रोशिया की लाइन थी, फिर सिंगल क्रोशिया की, पहले इसको जोड़ लिया हमने स्लिप स्टिच लेके, फिर इसमें 2 चेन बनाएंगे। ये स्लिप स्टिच लेके फिर हमने 2 चेन बनाई है। अब सब में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया के लिए फिर वही हम यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ पीछे से लेंगे ऐसे, और एक साथ सब लूप को खींच लेंगे। इस लाइन को भी हम ऐसे ही पूरा कर लेते हैं।
अब ये व्हाइट धागा भी हम ले लेंगे। अब बंद कर देंगे हम, हमारी ये पट्टी बन गई है। ये पट्टी बन गई है। सबसे पहले 50 चैन लेके हमने 3 चैन एक्स्ट्रा लिया, उसके बाद हमने ये डबल क्रोशिया की लाइन बनाई, उसके बाद सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाई, फिर हाफ डबल क्रोशिया की लाइन बनाई। तो हम छोटी सी कैप बनानी है हमें इस ड्रेस के साथ, इसलिए हमने ये हाफ डबल क्रोशिया की लाइन बनाई है। और नहीं तो थोड़ी अगर बड़ी बनानी है तो आप यहाँ भी डबल क्रोशिया ले सकते हैं। अब ये वाली मुकुट की पत्ती बना लेते हैं हम। इसके लिए एक मैजिकल रिंग बनाएंगे। और फिर 3 चेन बना लेंगे। अब 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चेन और 12 डबल क्रोशिया, मतलब 13 डबल क्रोशिया हो जाएंगे हमारे पास। स्लिप स्टिच करके हमने ज्वाइन कर लिया दूसरे धागे को, और ये सारे में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको बंद कर देंगे। अब ये लाल धागे को हमने फिर से शुरू की। यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर सिंगल क्रोशिया बना के हम 3 चेन बना लेंगे। लाल धागे को हमने फिर से शुरू किया है। यहाँ पे एक हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे सबसे पहली बार, उसके बाद नेक्स्ट में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना के फिर 3 चेन बनाएंगे, 6 चेन बनाएंगे। अब 1, 2, 3 तीसरे में डाल के एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर इसमें डाल के जहाँ से 3 चेन शुरू किया था वहाँ पे डाल के ज्वाइन करके और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे।
अब ये लास्ट में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे हमने पहली बार बनाया था ऐसे लास्ट में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो हमारे पास ये ऐसे हो जाएगा, जैसे ये पत्ती बनाई हमने इसी तरह से ये होगा। अब इसको कैसे सिलाई करते हैं ये दिखा देते हैं। अब ये हमारा सीधी तरफ है तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, ऐसे करके और ऐसे जोड़ लेंगे। और ये चारों तरफ सिलाई कर लेंगे, बीच में भी, ये साइड में भी, ऊपर भी ऐसे सिलाई कर लेंगे। सुई से ऐसे सिलाई कर लेंगे, फिर आते हैं सिलाई करके। जहाँ जहाँ भी आपको खुली नज़र आएगी आप उसको सिलाई करते रहना। अब ये वाला कर लेते हैं। अब हमने पलट लिया, पलटने के बाद हमारे ये शेप आएगा। और इसको आप चाहे तो आप साइड में लगाए चाहे तो ऊपर लगाए, मेरे ख्याल से साइड में ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारी कैप बन गई, मुकुट मुकुट बन गई हमारी। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताना कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।